दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिसेस बता रही हूँ जिनका अभ्यास करने से आपकी एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, पूरे के पूरे पंजों की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी सारी की सारी उंगलियों के जॉइंट्स की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो इस वीडियो को आप एज अ वार्म अप सेव कर सकते हैं और हर दिन जब आप अपना योग अभ्यास शुरू करें तो आप इस वीडियो की मदद से इन सारी प्रैक्टिसेस को कर लें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ ये मिलेगा कि अगर आपको आपके एंकल्स में हमेशा पेन रहता है, हील्स में पेन रहता है, पैर की उंगलियों के आसपास जॉइंट्स में अगर पेन होता है, फ्लैट फीट की समस्या है, तो ये सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, आपको राहत और छुटकारा मिलेगा। और साथ ही अगर जिनको ये समस्याएं नहीं हैं तो वो अपने वार्म अप की तरह इसको अगर करते हैं तो उनके पैरों में अच्छी खासी मजबूती देखने के लिए मिलती है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलेगी कि इस तरीके की वीडियो और भी ज़्यादा बनाऊँ, और भी ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी को मेरे द्वारा बनाया गया ये सारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए सबसे पहला जो अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए हम अपने पैरों को ऐसे आराम से मैट पर फैला के बैठ जाएंगे और ऐसे करने में किसी को असुविधा भी नहीं होगी। अब अपना ध्यान अपने पैर की सारी उंगलियों पर लेके आए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें, दोनों पाम्स को ऐसे बॉडी के पीछे रखें, हथेलियों को बॉडी के पीछे रखें और थोड़ा सा पीछे ऐसे झुक जाएं ताकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई है। अब ध्यान पैर की उंगलियों पर रखते हुए पैर की सारी उंगलियों को ऐसे धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि संकुचित करें, और फिर उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, ऐसे एक्सपैंड करें, बाहर की तरफ खींचें ऐसे पूरा। फिर उसके बाद धीरे 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 वापस से सारी उंगलियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें और थोड़ा दबाव बना के रखें, और फिर धीरे 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 ऐसे आपने सारी उंगलियों को ऐसे ढीला छोड़ दिया और बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, खींचिए। वापस से सारी उंगलियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर धीरे 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 सारी उंगलियों को ऐसे बाहर की तरफ खींचा और खोल के छोड़ दिया। अब इस तरीके से अभ्यास हो जाने के बाद अब अपना ध्यान अपने पैर की उंगलियों पर ही रखें और धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर ऐसे रख लिया और धीरे धीरे पहले अपने अंगूठे से काम करते हैं, अपने अंगूठे पर ऐसे अंगूठे को ऐसे पकड़ लिया और इसको पूरा गोल गोल घुमाएं ऐसे, जिससे कि अंगूठे के सारे आसपास की जो जॉइंट्स है वो मोबाइल हो जाए। ऐसे घुमा लिया 3 से 5 बार 10 बार ऐसे, फिर उल्टा घुमाएं ऐसे 1 2 3 4। इसी तरीके से अंगूठे के बगल वाली उंगली को पूरा घुमाएं ऐसे, पूरा 360 डिग्री, 1 2 3 4 5। अपोजिट घुमाएं उल्टी दिशा में, 1 2 3 4 5। ऐसे ही उसकी बगल वाली उंगली, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाएं, 1 2 3 4 5। ऐसे ही धीरे धीरे सारी उंगलियों के साथ आप करें, पहले क्लॉकवाइज यानी घड़ी घूमने की दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में, और ऐसे हर एक उंगली के साथ धीरे धीरे आप ऐसा ही अभ्यास करें। तो अभी मैंने लेफ्ट पैर के साथ कर लिया है, आप इसी तरीके का अभ्यास अपने राइट पैर के साथ भी करें, इससे मदद मिलेगी आपके पैर की सारी उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करने पर, और जिनको जॉइंट्स में बड़ा ही पेन होता है ना उसमें बहुत ही राहत मिलेगी। और साथ ही पूरे पैर की नस नाड़ियाँ उंगलियों से तो कनेक्टेड ही हैं, तो पूरे पैर की नस नाड़ियों में भी अच्छा खिंचाव आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से हमने पूरे पैर की उंगलियों को ऐसे घुमा लिया। अब वापस से दोनों पैरों को खोलें, दोनों पैर पाम्स को बॉडी के पीछे रखें, फिर से अपने दोनों पैर की उंगलियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि सारी उंगलियों को आपने ऐसे खींच के रखा, फिर रिलीज़ कर दिया 2 बार, और ऐसे खींच के रखा, रिलीज़ कर दिया, खींच के रखा, रिलीज़ कर दिया। इतना करने मात्र से आप अपने महसूस करेंगे उंगलियों पर कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो गया और थोड़ा लाइटनेस महसूस करेंगे। अब अपना ध्यान
अपनी पैर की उंगलियों पर काम कर लिया, अब अपना ध्यान अपनी एंकल्स पर लेके आ जा रहे हैं। इस जगह पर पूरी एंकल्स पर लेके आए और एंकल्स को, दोनों पैर के टखनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। सामने देखें, बॉडी को ऐसे झुका के ना रखें, सीधा करके रखें और बाहर की तरफ ऐसे खींच के रखें। जब बाहर की तरफ झुकाएं तो अंगूठे जो हैं आपकी बॉडी से जितना दूर लेके जा सकते हैं, ऐसा लगे कि अंगूठे आपके फ्लोर को टच करना चाहते हैं ऐसे। फिर उसके बाद धीरे से अपने पैर के बड़े अंगूठों को अपनी चेस्ट की तरफ ऐसे खींचें, ऐसे सांस लें, बाहर की तरफ खींचें। जब बाहर की तरफ खींचें तो आप महसूस करेंगे पूरे पैर की नस नाड़ियाँ अच्छी तरीके से खुल गई हैं, खींच गई हैं। और अब धीरे से अपने पैर के बड़े अंगूठे को अपनी चेस्ट की तरफ खींचें। जब आप चेस्ट की तरफ खींचेंगे तो आपकी पूरी की पूरी काफ मसल्स पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, जिससे कि काफ मसल्स में अच्छी खासी मजबूती महसूस करेंगे। और जब बाहर की तरफ खींचें तो पूरे पैर की थाइस, घुटने पर आप इसका अच्छा एक्टिवेशन देंगे। तो इससे क्या होगा कि थाइस मसल्स भी एक्टिवेट होंगी, मजबूत होंगी, और घुटने के आसपास की भी मसल्स, इतना सा काम करने पर। अब इसके बाद अपने पैरों को ऐसे ही सीधा रहने दें और जितना अच्छी तरीके से अपने पैरों को ऐसे टैप कर सकते हैं ना, फ्लोर पर ऐसे टैप करें। इससे क्या होगा, आप तुरंत देखेंगे पैरों में कितनी अच्छी झनझनाहट महसूस कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से। तो इस दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस पेड हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए आप, ताकि मेरी टीम के द्वारा आपको क्लास के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाए। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। उनको उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अपनी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करवाती हूँ, ताकि वो अपनी हेल्थ कंडीशन से उभर सकें और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास कर सकें। अब ये हेल्थ कंडीशन कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ आप ले लीजिए, जैसे नींद का ना आना, थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ब्लड प्रेशर का घट जाना या बढ़ जाना, PCOD, PCOS का प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन और ऐसी बहुत सी समस्याएँ जो हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण होती है, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अब पहले हमने अभ्यास किया दोनों पैर की एंकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के, अब दोनों एंकल्स को एक दूसरे के पास ही रखते हुए ऐसे अल्टरनेट मूव करेंगे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से अल्टरनेट मूव करेंगे, अंदर बाहर। अल्टरनेट मूव करने के बाद अब दोनों पैर की एंकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, बड़े अंगूठे को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। अब इसको पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे, 360 डिग्री ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी घड़ी घूमने की दिशा में ऐसे वन, पूरा बड़ा चक्कर बनाएंगे। बहुत से लोग बड़े छोटे छोटे चक्कर ऐसे बनाते, ऐसे नहीं, पूरा बड़ा चक्कर बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और दस, इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। और इतना करने मात्र से मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते देखते भी अगर अभी अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बड़ा ही बेहतरीन इफ़ेक्ट आपकी एंकल्स और आपके पैर के काफ मसल्स और घुटने के अराउंड की मसल्स पर महसूस होगा। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1, क्योंकि पैर की पूरी नस नाड़ियाँ आपके एंकल्स और आपके पैर की उंगलियाँ पैर के पंजों से ही तो जुड़ी हुई हैं। बस इतना सा काम कर लिया, अब वापस से दोनों हाथ को बॉडी के पीछे रखा और अच्छी तरीके से फिर से टैप करें, ऐसे 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 ऐसे, जितना जल्दी जल्दी और जितना ज़ोर ज़ोर से अच्छी तरीके से टैप करें। अब ढीला छोड़ दें, अब देखा वापस से धीरे से टैप करते करते ही आप बड़ा अच्छा एक्टिवेशन महसूस करेंगे। अब अपने पैर के बड़े अंगूठे तो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, अब दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाएं ऐसे बाहर, और फिर उसके बाद दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें, फिर उसके बाद बाहर लेके जाएं, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ जोड़ दें, फिर उसके बाद पैर के अंगूठे को एक दूसरे से दूर लेके जाएं और बाहर छोड़ दें ऐसे। अब दोनों पैरों के बीच में
अपने कंधे जितना फासला कर लें। अब दोनों पैर के अंगूठे को जितना हो सके अंदर की तरफ ऐसे ड्रॉप करें और फिर बाहर की तरफ ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ ऐसे खींचें, फिर उसके बाद बाहर की तरफ ड्रॉप कर दें। तो इन सारी प्रैक्टिसेस का अभ्यास आप कितने बार करेंगे? मिनिमम 10 बार कर लें और मैक्सिमम 15 से 20 बार काफ़ी होगा। इसे कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके पैरों में कितनी अच्छी मजबूती आ गई। और ये सब प्रैक्टिसेस सिर्फ बैठे बैठे करना है। अब वापस से पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और इस तरीके से धीरे धीरे पैरों को टैप कर लें। अब चलिए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला अभ्यास है, जो हमने पिछली सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, उनको एक साथ अभ्यास करेंगे। तो हमने अपने लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर ऐसे रख दिया। अब अपनी हाथ की 5 उंगलियों को अपने पैर की 5 उंगलियों के साथ ऐसे फंसा लिया, ऐसे। और ऐसे फंसाने के बाद अपने जितनी भी उंगलियां हैं इनमें थोड़ा सा गैप हो गया, तो थोड़ा सा उसका एक्टिवेशन मिलेगा। और अभी अपना ध्यान अपनी एंकल पर रखते हुए अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें और ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमाएं। 1, 2, 3, 4 and 5। आप इसको कम से कम 15 से 20 बार कीजिएगा, मैं सिर्फ 5 बार कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4 and 5। अब लेफ्ट पैर का हो गया काम, अब हम करेंगे राइट पैर पर काम। तो राइट पैर के पंजे को अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रख लिया, सारी 5 उंगलियों को अपने पैर की सारी 5 उंगलियों के साथ ऐसे फंसा लिया, ध्यान अपनी राइट एंकल पर रखा, राइट पाम को अपनी राइट नी के ऊपर रख के ऐसे पूरा 360 डिग्री 1, 2, 3, 4 and 5 क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 and 5। अब इस तरीके से दोनों तरफ अभ्यास करने के बाद बार बार हम अपने पैरों को अपनी योगा मैट पर टैप करेंगे, ऐसे धीरे 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 ऐसे टैप कर लिया और रिलैक्स छोड़ दिया। अब अगले अभ्यास के लिए चलिए स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ जाते हैं और इसमें और एक्सटेंडेड स्ट्रेच करते हैं अपनी पैर की उंगलियों पर और इसको इसका इफेक्ट अपने पैर के पंजों पर महसूस करते हैं। दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रख लीजिए। अगर आपसे ऐसे ना बैठा जाए तो आप किसी छोटे टेबल के ऊपर बैठ जाएं और दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें, सामने देखें और धीरे से अपनी एड़ियों को उठा लें और अपने पैर के पंजे पर ऐसे खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हील को ऐसे ड्रॉप कर दें। फिर धीरे 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 अपनी हील को उठाएं और उसके बाद धीरे 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 अपने पैर के पंजे को हील को ड्रॉप कर दें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका पैर का पंजा तो मजबूत होगा, एड़ियों पर और हील्स पर इसका अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, साथ ही आपको बहुत अच्छा दबाव खिंचाव आपकी काफ मसल्स पर ही नहीं बल्कि आपकी थाइस पर और हिप जॉइंट्स पर भी मिलेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हील्स को उठाएं और फिर हील्स को ड्रॉप कर दें। इनहेल हील्स उठ गई और एक्सेल हिप हील्स को ड्रॉप कर दिया। तो इसका अभ्यास भी आप कम से कम 15 से 20 बार कर लें और दोनों पैरों को ऐसे खोल लें, बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें, दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रखें, वापस से पैरों को ऐसे टैप करें और ऐसा करने मात्र से आप महसूस करेंगे कि आपके पैरों पर जो टेंशन हुई थी वो दूर हो गई। ऐसे अब ये इस तरीके का अभ्यास हुआ। अब हमने अपने पैर के पंजों को तो थोड़ा एक्सटेंशन एक्सटेंडेड स्ट्रेच दे दिया, अब अपनी एंकल्स को भी थोड़ा हम एक्सटेंडेड स्ट्रेच दे रहे हैं। तो कैसे अभ्यास करेंगे, आप आराम से ऐसे मैट पर बैठ जाएं, ठीक है, वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पैर की एड़ियां बाहर की तरफ और पैर का बड़ा अंगूठा अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे, और फिर टेबल टॉप पोजिशन पे ऐसे आ गए, ठीक है, ऐसे। और धीरे से अपनी बॉडी का भार अपने पैर के पंजे पर दें और अपने घुटने को ऐसे उठा लें, सामने देखें, फिर उसके बाद घुटना ड्रॉप कर दें, फिर उसके बाद अपने पैर के बड़े अंगूठे को ऐसे टक ना करें,
ऐसे ही मैट पर रहने दें और धीरे से अपना घुटना उठा लें, फिर उसके बाद वापस से ड्रॉप कर दें, फिर धीरे से अपना घुटना उठा लें, फिर उसके बाद वापस से ड्रॉप कर दें, फिर उसके बाद वापस से धीरे से घुटना उठाएं और ऐसे ड्रॉप कर दें। अगर ऐसा करने में आपको चैलेंज आए तो बस नॉर्मली आप वज्रासन में बैठ जाएं, अपने दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें और धीरे से ऐसे थोड़ा सा अपना घुटना ऐसे मैट से उठा दें और फिर ऐसे फिर से घुटना ड्रॉप कर दें, फिर उसके बाद वापस से घुटना उठा लें। तो इससे क्या होगा, तुरंत आप देखेंगे कि आपकी एंकल्स पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया। इसके लिए आपको घुटनों को जोड़ के रखना होगा एक दूसरे के साथ और सामने देखना होगा, पैर के बड़े अंगूठे को टक मत कीजिएगा, धीरे से अपने घुटने को उठाया सामने देखें और फिर घुटने को ड्रॉप कर दें, धीरे से अपने घुटने को उठाएं सामने देखें और फिर घुटने को ड्रॉप कर दें। तो ऐसा अभ्यास आपको कम से कम 15 से 20 बार कर लेना है और इतना करने मात्र से ही आपकी एंकल्स, आपके पैर के बड़े अंगूठे, इवन काफ मसल्स, घुटने के अराउंड की मसल्स में बहुत अच्छा इफेक्ट आ गया। दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रखिए, वापस से पैरों को ऐसे टैप करें, टैप करें, टैप करें और क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं। चलिए अब अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले अभ्यास के लिए आपको कुछ एक हायर जगह चाहिए होगी, जैसे आपके घर पे सीढ़ियाँ होती हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीढ़ियाँ नहीं हैं तो आप किसी ईंट का, ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये योगा ब्लॉक ले ली मैंने और इस योगा ब्लॉक पर हाफ जो पैर की एड़ियाँ होंगी बाहर की तरफ होंगी और पैर के पंजे इस योगा ब्लॉक पर होंगे। तो ऐसे आपको खड़े हो जाना है और दीवार का ऐसे एक हाथ से दीवार का सहारा ले लेना है और ऐसे आराम से आप योगा ब्लॉक पर खड़े हो जाएं और धीरे से अपनी पैर की एड़ियों को ऐसे उठाएं और फिर ऐसे ड्रॉप कर दें, फिर पैर की एड़ियों को उठाएं और ऐसे ड्रॉप कर दें, फिर ऐसे पैर की एड़ियों को धीरे धीरे उठाएं जितना हो सके हील्स पर और फिर ऐसे ड्रॉप कर दें। तो इससे भी आपकी एंकल्स, आपके पैर के पंजे और आपकी काफ मसल्स, घुटने के अराउंड की मसल्स पर मजबूती आएगी और बस फिर रिलैक्स करें, वापस से दोनों पैरों को खोलें और पैरों को ऐसे धीरे 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 टैप करें। तो देखा आपने कितना आसान था ना ये अभ्यास करना और आई एम श्योर कि आपको मज़ा भी बहुत आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी समस्या पर मैं वीडियो बनाऊं, आप चाहते हैं मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चाहते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्ते।